अमेजन का जंगल बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। यह इतना बड़ा है कि अमेरिका के 48 राज्यों के बराबर हो जाता है। और हम इसकी एरिया को किलोमीटर में बताएं, तो इसका एरिया 6.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा होगा। यह इतना बड़ा होने के वजह से बहुत से जानवरों का घर है, और यह जितना बड़ा और सुंदर है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ सुंदर दृश्य ही नहीं बल्कि सुंदर दृश्य के अलावा खतरनाक जानवर भी रहते हैं। अगर मैं इस जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में आपको बताऊं, तो इस जंगल में खतरनाक जैगुआर, बीमारी फैलाने वाले मच्छर, बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांपों के अलावा और भी खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर आप जंगली जीवों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के दीवाने हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो यह आपके मन को लुभा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ खो जाते हैं तो आप अपने सारे बुरे कर्मों को याद करके भगवान से माफी मांग लीजिए, क्योंकि यहाँ खोने का मतलब है अपने जीवन से हाथ धो बैठना। यहाँ खोने के बाद शायद आप यहाँ के खतरनाक जानवरों से बच भी जाएं, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले सांप आपकी जान ले लेंगे। यहाँ पाए जाने वाले सांपों के काटने से आपकी हर्ट फेल और लकवा मार सकती है। इस जंगल के सांप तो इतने जहरीले और खतरनाक हैं कि इनके काट लेने पर शरीर के अंदर रक्त के थक्के जमने और नसों में छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं। आइए इस जंगल के कुछ ऐसे ही सांपों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 10 पर आता है बुश मास्टर एलमुता। बुश मास्टर सांप का रंग लाल और भूरे या गुलाबी और भूरे का मिश्रण होता है। यह जहरीला के साथ साथ लंबा भी होता है, और इसकी लंबाई 10 फीट तक होती है। और इन सांपों की 3 प्रजातियां होती हैं, और तीनों एक से बढ़कर एक जहरीले होते हैं। ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते, बल्कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठे रहते हैं, और अपने शिकार पर अचानक से हमला करके अपने शिकार के शरीर में जहर को इंजेक्ट कर देते हैं और शिकार को सिर की तरफ से निगल लेते हैं। ये सांप पूरे साल में कम से कम 10 बार खाकर भी जीवित रह सकते हैं। अगर बुश मास्टर आपको काट ले तो आपको मितली, उल्टी और दस्त शुरू हो जाएंगे। नंबर 9 पर आता है बुश मास्टर की एल स्टेनोफ्रीज प्रजाति। इसे ही मध्य अमेरिकी बुश मास्टर के नाम से जाना जाता है। यह मूता बुश मास्टर की तरह ही जहरीला होता है, और अमेजन बेसिन के अलावा निकारगुआ, कोस्टारिका, पनामा, साउथ वेस्ट इक्वाडोर, कोलंबिया, साउथ वेस्ट के कैरिबियाई तट और काका नदी घाटियों में पाया जाता है। नंबर 8 पर बुश मास्टर का तीसरा प्रजाति मेलानोसेफला आता है। इसका अमेजन बेसिन के साथ साथ कोस्टारिका भी घर है। इसे ब्लैक हेडेड बुश मास्टर भी कहते हैं। बुश मास्टर के यह प्रजाति बहुत दुर्लभ है, और ये ज़्यादा समय बीलों में ही बिताते हैं। नंबर 7 पर आता है आई लैस वाइपर। यह 15 से 20 इंच का होता है, लेकिन इसके साइज को देखकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि यह देखने में जितना छोटा होता है उससे ज़्यादा जहरीला और खतरनाक है। लेकिन यह बहुत डरपोक किस्म के होते हैं। शायद इसी वजह से ये आक्रामक नहीं होते और छोटे पक्षियों और जानवरों पर हमला करते हैं। इनका रंग पीला के अलावा ग्रे भी होता है, और ये अमेजन बेसिन के साथ साथ मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। नंबर 6 पर आता है अमेजन कोरल स्नेक। कोरल स्नेक बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर सभी सांपों में इनका जहर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इन सांपों के ऊपर लाल, काले और पीले रंग से पैटर्न बने होते हैं। ये सांप अपने शिकार के नज़रों से बचने के लिए पत्तों के ढेर में छुप जाते हैं। अगर आप अमेजन बेसिन घूमने जा रहे हो तो अमेजन के जंगलों में पत्तों के ढेर पर पैर मत रखना। आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस सांप के काट लेने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किसी सांप ने काट भी लिया है, क्योंकि इन सांपों के काटने पर बहुत कम दर्द होता है और सूजन भी नहीं होता, यहाँ तक कि इसके लक्षण दिखने में घंटों लग जाती है। नंबर 5 पर आता है एक्वेटिक कोरल स्नेक। यह अमेजन के अलावा साउथ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यह पानी में रहता है और इसे मछली खाना पसंद होता है। इसका रंग अमेजन कोरल स्नेक की तरह ही होता है, और यह अपना ज़्यादा समय पानी में ही बिताता है। नंबर 4 पर आता है मुसुराना। यह सांप अपने शिकार को मारने के लिए अजगर की तरह शिकार को जकड़ता भी है, और अपने जहर का भी इस्तेमाल करता है। यह सांप 7 फीट तक लंबा होता है, और इसका रंग नीला, काला और भूरा होता है। नंबर 3 पर आता है पीट वाइपर। यह वाइपर्स की बहुत से सांपों का ग्रुप है। इस ग्रुप में रेटल स्नेक, फेयर डिलॉन्स, कॉपर हेड्स, वाटर मोकासिन के अलावा और भी बहुत से सांप आते हैं। नंबर 2 पर आता है फॉल्स फेयर डिलॉन्स। ये सांप पीट वाइपर ग्रुप के हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं, और ये भूरे रंग के होते हैं। नंबर 1 पर आते हैं साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक। साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक का घर अमेजन के सवाना वाले इलाके हैं।
इस सांप के जहर से लकवा के साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। यह भी पीट वाइपर ग्रुप का सांप है और इसका सिर त्रिभुज के आकार का होता है। यह दिन में छुपकर रहता है और शाम में शिकार पर निकलता है। तो ये थे अमेजन बेसिन के कुछ जहरीले सांप। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इन सांपों में से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगता है। और हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।